बुक कौन सी लिखी थी, किसकी बात हो रही है? थॉर्नडाइक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? थॉर्नडाइक की बात हो रही है। इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? इसके बाद इन्होंने बुक लिखी थी एजुकेशनल साइकोलॉजी। कौन सी बुक लिखी थी? एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। इसके बाद हाँ, क्लास का टाइम सागर जी यही रहता है डेली 8 बजे रात में, चलिएगा। इसके बाद कुछ बात हुई थॉर्नडाइक लॉज ऑफ लर्निंग, और ये बहुत महत्वपूर्ण है जो आप अभी देखने वाले हैं, क्योंकि इसको कोई किसी वीडियो में फेंक देगा, कोई कहीं पढ़ाएगा, पता नहीं लोग किस किस चैप्टर में क्या क्या सिद्धांत पढ़ा देते हैं, फिर उससे कन्फ्यूजन क्रिएट आप में हो जाता है। बस ये एक समस्या मुझे देखने को लगती है, मुझे पर्सनल मेरा ओपिनियन है, बाकी ऐसा किसी पे कोई कमेंट नहीं है। उसके बाद थॉर्नडाइक लॉज ऑफ लर्निंग का मतलब है कुछ सिद्धांत दिए अधिगम के सिद्धांत दिए, अधिगम के सिद्धांत दिए। किसने दिए? थॉर्नडाइक ने दिए। उनको बोला जाता है लॉज ऑफ लर्निंग या थॉर्नडाइक लॉज ऑफ लर्निंग। इसमें क्या क्या चीजें आई? तो हमने जो तीन देखे इस बुक में, ये बुक थी एक्चुअली एजुकेशनल साइकोलॉजी, 1913 में इनकी एक किताब आई थी, एक पुस्तक आई थी, उस किताब में इन्होंने जिक्र किया था प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज का। अगर आपको आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी दबी हुई लगे तो उसके लिए सॉरी, मैं पहले माफ़ी मांग लेती हूँ, मेरा सर में ब्लास्ट होने वाला है, ऐसा मुझे कहते हैं ना हिंदी में प्रतीत हो रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है यहाँ से, और यहाँ से बिल्कुल ऐसे हो जाएगा कुछ सेकेंड है। चलो, तो प्राइमरी लॉज, दवाई मिली नहीं है, घर पे है नहीं, अब भाई देखो कब तक आता है, फिर वो लेकर आएगा। चलिए, तो प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज की बात हुई। प्राइमरी लॉज आपको रेड कलर से हाईलाइट दिख रहे होंगे, तीन प्राइमरी लॉज यानी कि तीन मुख्य, क्या तीन मुख्य थे और तीन पांच गुण थे? क्या थे? तीन मुख्य थे और पांच गुण थे, ठीक बात हो गई। हम प्राइमरी को क्या बोलते हैं? मुख्य ही तो बोलते हैं। और इसको सेकेंडरी को क्या बोलते हैं? गौण नियम, है ना, ये चीज है। कितने कितने थे? तीन और पांच, करेक्ट बात।